दोस्तों आज हम IQ 7 में M2 बेंचमार्क को रन करेंगे और देखते हैं क्या स्कोर निकल के आता है। जो ये फ़ोन है आपको 30,000 में देखने को मिलता है। 30,000 में आपको इसमें 8GB रैम और 128GB स्टोरेज देखने को मिलती है और इस टाइम पे ये एंड्रॉयड 12 पे रन कर रहा है और इसमें स्नैपड्रैगन का 870 प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है मिड रेंज में। तो देखते हैं क्या स्कोर निकल के आता है और कितना ज़्यादा ये फ़ोन हीट होता है। तो जो बेंचमार्क टेस्ट है वो कंप्लीट हो चुका है और जो स्कोर निकल के आया है वो है 7,12,000 जो कि काफ़ी बढ़िया है। आपको काफ़ी कम फोन्स में अंडर 30 के आपको 7 लाख का स्कोर देखने को मिलेगा, तो स्कोर तो काफ़ी बढ़िया आया है। तो अगर बात करें बैटरी की तो बैटरी जो है इसकी 5% डिक्रीज़ हुई है। वहीं बात करें टेम्परेचर की, जो टेम्परेचर है वो 7 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ हुआ है, तो टेम्परेचर तो काफ़ी ज़्यादा इसमें इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन इसमें हीटिंग के टाइम पे आपको कोई भी लैग देखने को नहीं मिलेगा गेमिंग के टाइम पे भी, क्योंकि जो नॉर्मल फ़ोन्स होते हैं उसमें जो कैमरे बम्प का एरिया होता है वही हीट होता है। लेकिन इस फ़ोन का कूलिंग सिस्टम काफ़ी बढ़िया है, इसमें जो हीट है पूरे फ़ोन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जिसके कारण इसकी कूलिंग है काफ़ी अच्छी होती है और आपको गेमिंग के टाइम पे या फिर कोई भी हैवी टास्क के टाइम पे लैग देखने को नहीं मिलता। मैंने इसमें थोड़ी बहुत गेमिंग भी करी है और मुझे कहीं भी फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिले। हीट तो होता है लेकिन हीट के कारण आपको किसी तरह का लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप इस डिवाइस में देखने को नहीं मिलने वाला। मैंने इस डिवाइस का CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट भी किया था, उसका आप ग्राफ देख सकते हैं। मैंने इसमें अराउंड 10 मिनट CPU थ्रॉटलिंग को रन किया है और ग्राफ पे आप क्लियरली देख सकते हैं जिसकी परफॉर्मेंस है वो 80 से 100 के बीच में लाइक करती है हीटिंग के बावजूद भी। आपको इस ग्राफ में स्पाइक्स देखने को नहीं मिलेगी, अपनी परफॉर्मेंस को जो ये फोन है काफी अच्छे से मेंटेन करता है हीटिंग के बाद भी। तो अंडर 30 के तो ये फोन काफी बढ़िया है। मैं जल्दी इसमें BGMI का डिटेल टेस्ट भी करने वाला हूं, तो अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ में इस वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक यू।